हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और हर छठ आने वाली है, तो आज हर छठ के लिए आलता डिज़ाइन मैं बनाने जा रही हूँ। तो बस अभी मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मैं ब्लू ब्लू में पूरा रेडी हो गई हूँ और अपना ट्राइपॉड ली हूँ। बस जा रही थी बाहर, छत पर जाऊँगी, फिर अपना आलता डिज़ाइन मैं बनाऊँगी। और मैंने ब्लू कलर का सब पहन रखा है, ब्लू बिंदी, ब्लू सूट, ब्लू कह लो या फिर आप फ्रोजी कह लो, जो भी कह लो। और पैरों में भी ब्लू नेल पेंट ही लगा रखी है और हाथ में नहीं लगाई बहुत, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर अपने पैरों में आलता लगाने। तो चलिए हर छठ की तैयारी करते हैं और हर छठ की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो फिर हम आलता लगाते हैं बाहर। Thank you.
बाहर और बाहर वाल बहुत गर्मी थी, तो इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ फ़ैन में बैठने के लिए। और जब पानी गिर जाता है ना तो काफ़ी उमस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और जो मैंने कि आलता लगाया ना, काफ़ी गोल्डन कलर का हो गया है ये। और जो आलता गोल्डन कलर का हो जाता है पिंक कलर वाला, तो समझो वो बहुत अच्छा आलता है। और ये मतलब छूटने में 3 से 4 दिन तो लग जाएगा, और हफ्ते भर तो हल्का हल्का लग ही रहता है, क्योंकि ये वाला आलता बहुत अच्छा होता है। ये वाला जो पैरों में गोल्डन हो जाता है, आप किसी से भी पता करिएगा, ये वाला आलता बहुत अच्छा होता है। और बहुत थोड़ा सा ही घोलना पड़ता है, ये देखिए कैसे गोल्डन गोल्डन सा हो गया है पैरों में। और इसको लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जल्दी नहीं छूटता है, बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है इसको छूटने में। काफ़ी टाइम का मतलब एक हफ्ता बस, बहुत ज़्यादा नहीं। कोई सा भी आलता हो और कुछ भी हो, पैरों का कोई भी कलर हो, बहुत जल्दी मतलब जल्दी छूट जाता है वो। ये देखो पैरों में ना गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। और जब ये पानी पड़ेगा ना तो ये ठीक हो जाएगा, पैरों पे जब ये पानी पड़ता है ना तो ये ठीक हो जाता है। कमेंट में बताइएगा कि ये मेरा आलता डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा है। फिर मिलते हैं कोई अच्छा सा आलता का डिज़ाइन लेके, जब तक के लिए बाय बाय।